साइलेंट डी आप यहाँ पे। आज हम लोग सबसे फर्स्ट क्लास है ना आप लोगों का इसका, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। यस सर। इसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट बोर्ड। दूसरे भाषा में अगर टेक्निकली बोला जाए तो ये इंटरैक्टिव पैनल है जिसपे बच्चों को क्या किया जाता है, स्मार्टली पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे पहले हम बोर्ड पे लिखा करते थे ना, वैसे ही हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो कुछ ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ आ जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग पहले बोर्ड पे लिखा करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे है ना, हेलो बच्चों, है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए, हम लोग को कहाँ जाना है, विंडो पे। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइंस। और साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं, Our environment. Yes, sir. ठीक है, our environment जो science है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे our planet के बारे में, earth के बारे में। Our planet कौन सा है? Earth. तो earth के बारे में हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ पे video, ठीक है, जिससे आपका concept काफी boost up करेगा। Okay, sir. Science, structure of earth. इसको पहले देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। इसमें इतना ही था। साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। वी ऑल लिव ऑन अर्थ व्हिच इज द ओनली नोन लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट। आवर अर्थ इज अ टेरेस्ट्रियल और अ रॉकी प्लैनेट व्हिच इज मेड अप ऑफ rocks and metal. So today, let's understand the structure of Earth in detail. Rocks planet likha hua hai. Earth is a planet like none other. It was born in the same manner as all the other planets. A ball of dust and hot gases which kept spinning while its outer layer cooled and turned hard. The earth we see today has a hard outer layer and molten material beneath. चलिए, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, अर्थ के बारे में। कुछ वीडियो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पीछे चलते हैं। ठीक है, और डिटेल लर्निंग, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ इज अ प्लैनेट लाइक नन अदर, इट वॉज बोर्न इन द सेम मैनर एज ऑल द अदर प्लैनेट्स, अ बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस which kept spinning while its outer layer cooled and turned hard. The earth we see today has a hard outer layer and molten material beneath. अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? अब ये earth दिख रहा है, ठीक है? तो earth का ये जो outer जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये वाली, ये outer layer है, जिसपे हम लोगों को दिख रहा है, कहीं पे green color का दिख रहा है, है ना, ग्रीन कलर का दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, कुछ ब्लू ब्लू टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये ब्लू वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये क्या है, वाटर। वाटर, वेरी गुड। ये सारा क्या है हमारा, वाटर, है ना। और ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। ठीक है, येलो इस पार्ट जो दिख रहा है, जमीन है या जो पहाड़ है ना, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। अब इसके अंदर जब जाते हैं, ये जो थिकनेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो थिकनेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मोटाई, ठीक है, ये वाली, ओके, ये लेयर हो गया। इस लेयर के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो आपको ये लेयर अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। इस लेयर देख रहे हो, ये हॉटर पार्ट है हल्का सा,
ठीक है, इसमें रॉक्स होते हैं, मिट्टी होता है, ठीक है, इस वाले में तो मिट्टी होता है, सोयल होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगाते हैं, खेती करते हैं, है ना, इस पे रहते हैं, इसमें है ना। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, हम लोग जब भी चल रहे होते हैं तो इस तरीके से चल रहे होते हैं अर्थ पे, है ना, ऐसे खड़ा होकर चल रहे हैं। yes, क्या ऐसे लोग नहीं है यहाँ पे, क्या इस तरीके से लोग नहीं चल रहे हैं, क्या ऐसे नहीं है, कोई ऐसे नहीं चल रहा, फिर गिर जाएगा। yes, नहीं, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। कौन बोल रहा है ऐसे धड़ाम से गिर जाएगा नीचे, कौन बोल रहा है बोलो। अगर ऐसे कोई चल सकता है कि नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, अच्छा चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? नो सर, देखो आदमी तो यहाँ पे भी है ना, आदमी ऐसे भी है, आपको पता है एक आदमी ऐसे भी चल रहा है। वाह, आप तो इंडिया कहाँ पे है हमारा, क्या इंडिया हमारा यहाँ पे है ऊपर में, ऐसे ऐसे हम लोग चल रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना सर, ठीक है। आदमी पूरी जगह पे रह रहा है ना, अर्थ पे, नीचे भी रह रहे लोग, ठीक है। तो उसका जो ग्रेविटी होता है अर्थ का, कुछ भी चीज होता है, कुछ देना हमको पेन वगैरह, ठीक है। तो जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, ठीक, तो क्या लग रहा है कि हम लोग अर्थ पे सीधा वर्टिकली खड़े हैं, है ना, ऐसे फील कर रहे हैं। सारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, टू सेंटर, कहाँ लगता है, विंडो सेंटर पे लगता है, कहाँ लगता है, सेंटर पर, है ना, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है, सेंटर पे लग रहा है, ठीक है, सेंटर पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा, क्लियर है? तो क्या नहीं दिख रहा है, तो दूर होके बैठना, बहुत सारे बहुत दूर से दिखेगा आपको, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक। अब जैसे मान लो कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे रख सकता है, तो ग्रेविटी है बेटा, क्या है, ग्रेविटी, आपको अर्थ क्या कर रहा है, खींच करके रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, घींच करके, मेरा जो अर्थ है उसमें हम लोग जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है, ग्लोब में आपने ढूंढा है कहीं पे कि इंडिया कहाँ पे है आपका, इंडिया कहाँ पे मिलता है, टॉप पे नहीं मिलता है, वो तो पोलर ग्लेशियर है ना, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, व्हाइट बियर वहाँ पे मिलते हैं, है ना, व्हाइट वाला भालू, क्लियर है, बहुत ठंडी जगह में रहता है, पेंगुइन वगैरह रहता है ना, हम लोग वहाँ नहीं रह सकते, रह सकते हैं जब जाएंगे, है ना, रशिया ऊपर साइड पे है, ठीक है, लेकिन हम लोग का अर्थ में, हम लोग का इंडिया कहाँ है, इस साइड पे, इस साइड पे हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे लटके ऐसे चल रहे हैं, लेकिन फील कैसा हो रहा है कि हम इस पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ आपको ना खींचे हुए, किधर खींचे हुए है, आपको इस डायरेक्शन में खींच करके रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में खींच के रखा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच के रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में खींच के रखा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पेन रख देता हूँ, कल आकर के यहीं से ले लेंगे हम लोग, रख दे यहाँ पेन, रख दे, चलो रख देता हूँ, ओह माय गॉड, ये तो गिर गया, क्यों गिर गया, ग्रेविटी, वेरी गुड, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऐसा मूवमेंट कब मिलती है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, जैसे मून पे आप जब जाओगे तो 1:6 रेशियो का आपका क्या मिलेगा, ग्रेविटी मिलेगा, मून पे कितना होता है, 1:6 का ग्रेविटी, हाँ 1:6 का होता है ग्रेविटी होती है, ठीक है, याद रखिए, क्लियर है, तो जितना अर्थ पे हो रहा होता है उतना क्या होता है, 6 गुना कम जाता है, तो वहां पे जब भी बॉल फेंकेंगे ना ऐसे मून पे तो क्या रहेगा, जाएगा ही नहीं, हवा में ऐसे उड़ते रह जाएगा, वहां पे जाके हम लोग बैडमिंटन खेलेंगे, है ना, ऐसा मारा, ठीक है भाई आने दो, जब तक हम खाना खा लेते हैं उसके बाद उठेंगे, फिर इधर से मारेंगे टक, फिर इधर वाला खाना खाने लग जाएगा, खाना पीना खा लेगा, तो ठीक है सुबह आते हैं फिर मारेंगे टक, है ना, बहुत देर में पहुंचेगा कि नहीं भी पहुंचेगा,
है ना, क्योंकि वो ग्रेविटी नहीं है ना, कि उसको एक क्या दे सकता है, एक दिशा दे सकता है, क्या दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है ना, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो सभी लोग ऐसे। अच्छा, इसको मोमेंटम नहीं होगा क्या नीचे की तरफ, क्या इसको मोमेंटम नहीं होगा इधर नीचे की तरफ, उसका ब्लड फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, ऊपर की तरफ काम कर रही है। यस सर। सारा मेरा सारा का सारा ब्लड कहाँ जा रहा है, फुट में जा रहा है ना, जब हम उल्टा खड़ा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा ब्लड ब्रेन में आएगा, है ना, ये एक्सरसाइज भी है ना मॉर्निंग टाइम में, है ना, वॉशरूम से होकर के फ्री होकर के क्या करना है, उल्टा होना है 5 मिनट के लिए, सांस खींच करके, जब तक सांस रोक सकते हो तब तक उल्टा रहना है, उसके बाद खड़ा होकर के सांस छोड़ देना है, ठीक है, ब्रीथिंग। इससे क्या होता है, आपका जो लंग्स होता है बहुत मजबूत हो जाता है। चलिए वो टॉपिक में हम आज बात नहीं करेंगे, आज पे हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अर्थ पे बेटा कहीं पे हम लोग भी रह सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये मत सोचो कि ये फ्लैट है, ये गोल जैसा है, बॉल की तरह है, कैसा है, बॉल की तरह, बॉल की तरह एकदम तो नहीं है, ये भी नहीं कह सकते एकदम चिकना सा, कहीं पे उखड़ खाबड़ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ओके, समझ मारी बात। तो कैसा है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे जो वोटर है, अगर हम लोग ये वोटर खाली कर दें तो क्या ये गड्ढा नहीं होगा, यहाँ पे गड्ढा होगा, बिल्कुल गड्ढा होगा, क्या यहाँ पे बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ होगा, हिमालय पहाड़ होगा, तो क्या वो निकला हुआ नहीं होगा, है ना, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, है। लेकिन ऑल अराउंड जब हम लेवल से लेते हैं तो हमको अर्थ कैसा दिखता है, एकदम राउंड शेप में मिलता है, कैसा दिखता है, राउंड शेप में, है ना, और ये कैसा झुका हुआ होता है, एक एक्सिस पे ये झुका हुआ होता है 22.5 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 22.5 डिग्री पे, याद रखेंगे, कितना डिग्री पे, 22.5 डिग्री पे, रोटेट कर रहा होता है, है ना, ये क्या कर रहा होता है, रोटेट, अब ये एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, यस सर, कितना रोटेशन मारता है, एक दिन में एक रोटेशन मारता है, एक दिन कितना टाइम में होता है, 24 आवर, एक दिन होती है, एक रात होती है, एक दिन और एक रात, घंटा दिन, 12 घंटा रात, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे सन लगा दें, ठीक है, तो सन का जो लाइट होगा वो कहाँ पड़ेगा, इस फेस पे पड़ेगा ज्यादातर, है ना, इस फेस पे पड़ेगा, यस सर, तो किधर पड़ा तो बहुत रोशनी पाएगा, इधर दिन में महसूस होगा, लेकिन इधर वाले लोगों को क्या हो जाएगा, बॉल देख रहे हो, फुटबॉल है घर पे, यस सर, उसे टॉर्च मारेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ उजाला रहेगा, दूसरे साइड अंधेरा, उस टाइम डार्क रहेगा, तो उसको बोलते हैं रात, क्या बोलते हैं, डार्क, है ना, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, यस सर, अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लेयर है, जो जिसका थिकनेस आप यहाँ देख रहे हो काफी मोटा है, है ना, क्या होता है ये, इस तरीके से एक लेयर और है, फिर जाकर कि ये कोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लोग, कोर, डी कोर, कोर, है ना, याद रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, कोर, कोर का मतलब होता है बीच का हिस्सा, क्या होता है, बीच का हिस्सा, बीच में, है ना, ये लिक्विड में होता है बहुत ज्यादा, जैसे ही यहाँ पे कहीं पे भी इस एरिया में जहाँ पे पतला लेयर रहेगा वहां पे क्या करेगा, और ये बहुत हलचल होता रहता है, मूवमेंट करता है, क्यों मूवमेंट कर रहा होता है, क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, और क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ क्या कर रहा होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम भी तो रहा होता है, ये अर्थ है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक, ओके, क्लियर है ना, इस तरीके से भी घूम रहा है, और कैसे घूम रहा है ये, और इस तरीके से घूम रहा है, अपने आप में भी एक्सिस पे घूम रहा है और रोटेशन पे भी घूम रहा है, क्लियर समझ में आ रही है, ओके ना, कितना बात समझ में आ गया, यस सर, इतना ही, थैंक यू वेरी मच।